हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू मसाज योर ऑयल। सो आई नो आप लोगों को लगता होगा कि ये बस ऑयल है, इसको लगा लेने से और वॉश करने से ठीक हो जाएगा, बट इट्स नॉट सिंपल एज इट साउंड। सो लेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो पहले तो हम क्या करेंगे ना, हमारे जो हेयर है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और जो हमारा स्कैल्प है वहाँ पर हम लोग ऑयल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो स्काल्प में लगाने के बाद ना उसको अच्छे से मसाज करेंगे। अगर आपका हेयर ऑयली है ना तो यू कैन गो फॉर नॉन ग्रेसी ऑयल लाइक आर्गन एंड लाइट एलमंड, और नहीं तो आप कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल जो भी ले सकते हैं। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, अगर आप ऑयल को हीट करके लगाते हैं ना, सो इट हेल्प्स टू इंक्रीज आवर ब्लड सर्कुलेशन एंड इट रिड्यूस स्ट्रेस ऑल्सो। मसाज करने से भी वैसे भी स्ट्रेस चला जाता है। सो जब भी आप मसाज करते हैं ना, कंसंट्रेट करें मसाज के ऊपर। तो ये जो पूरा ऑयल है हम इसको पूरा अच्छे तरह से स्कैल्प में ही लगा। और जब भी आप ये कर रहे हैं ना, मतलब मसाज स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपना जो फिंगर्स है ना उसको पूरा टाइट कर लीजिए और पूरा मसाज करते टाइम ना उसको बिल्कुल भी लूज होने मत दीजिए, उसको पूरा मसाज करते करते एंड कीजिए। और एक पार्ट ख़त्म हो जाने के बाद ही दूसरा पार्ट में स्टार्ट करें, क्योंकि अगर हम पूरा ही बिना पार्टीशन करके हेयर ऑयल लगाना स्टार्ट करेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि मतलब कोई भी पार्ट छूट सकता है हमसे, लेकिन अगर हम पार्टीशन करके लगाएंगे तो हर तरफ ऑयल जाने का ज़्यादा चांसेस है। कई बार क्या होता है कि हम लोग सुनते हैं कि बहुत सारे लोग ओनली स्कैल्प में ही यूज़ करते हैं मतलब ऑयल, और रेस्ट ऑफ द हेयर को छोड़ देते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने रेस्ट ऑफ द हेयर को भी मॉइस्चराइज रखना है तो क्या कर सकते हैं, हम एक ग्रेसी ऑयल लेंगे जो कि बस स्कैल्प में लगाएंगे, और एक नॉन ग्रेसी ऑयल लेंगे जिसको हम बस रेस्ट ऑफ द हेयर में लगाएंगे। अब जितना ज़्यादा मसाज करेंगे आपको उतना ज़्यादा रिड्यूस स्ट्रेस उतना ज़्यादा रिड्यूस होगा। सो कंसेंट्रेट ऑन योर मसाज। एंड और एक बात मैं बता दूंगी कि मसाज करने से ना हमारा हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप बहुत सारे सुनते हैं कि मसाज करने के बाद हेयर फॉल हो रहा है, देन दैट इट्स अ मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑयल लगाने के बाद अपने फेस को अच्छे से साफ कर ले, क्योंकि थोड़ा सा भी ऑयल हमारे फेस में लगेगा ना तो हमारे जितने भी ओपन पोर्स है ना वो उसको ब्लॉक कर देगा। और लास्ट में बोलना चाहूँगी टाइमिंग के बारे में, कभी भी हम लोग ऑयलिंग करते हैं ना तो एटलीस्ट 2 to 3 hours तक ऑयल को रहने दे हेयर पे, उसके बाद ही हेयर वॉश करें। और कभी भी 2-3 दिन या फिर ओवरनाइट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हमारे जो ओरिजिनल ग्लैंड होता है वो ब्लॉक हो जाओ। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, थैंक यू।